तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। अगर बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो ये क्या कहा जा रहा है कि एक बैलून है जिसका वेट डब्ल्यू है, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये रहा अपना बैलून, और ये जो बैलून है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। दिस इज़ द बैलून एंड इट इज़ द फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये एक्सलेशन ए से आ रहा है, जे ए की वैल्यू जी है। तो ऑब्वियसली इस बैलून पे कुल कितने फोर्स लग रहे हैं वो हमें निकालना है। तो सॉरी, हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस कितना हमें निकालना वो वाली चीज़। तो सबसे पहले जब बैलून नीचे आ रहा है तो एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स है वो वर्टिकली अपवार्ड लग रहा होगा यार, सीधा ऊपर लग रहा होगा। दिस इज़ द फोर्स बाय द एयर, विस्कस फोर्स। ठीक है ना, इसको मैं एफ बी से डिनोट कर देता हूँ। और बैलून का जो वेट है एम जी, वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा हो, जो कि वेट डब्ल्यू के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ से मास की जो वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू बाई जी आ जाएगी, क्योंकि मुझे पूरा सोल्यूशन डब्ल्यू में ही चाहिए। तो अब मैं अगर इस बैलून का इक्वेशन लिखूँ तो मैं लिखूँगा जो वेट डब्ल्यू है, ठीक है ना, इस मान एम जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू मास और मल्टीप्लाइड बाई इसका एक्सलेशन। हमें एफ बी चाहिए, तो यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से ये डब्ल्यू माइनस एफ वी की जो वैल्यू आ जाएगी वो मास की वैल्यू डब्ल्यू बाई जी और ए के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ए अपॉन जी, दैट इज़ द फोर्स बाय द एयर। तो यहाँ से डब्ल्यू कॉमन हो जाएगा, तो वन माइनस ए बाई जी, वन माइनस ए बाई जी, दैट इज़ द एफ वी। दिस इज़ द फोर्स एग्जर्टेड बाई द एयर। ये क्या है, एयर का फोर्स है। चाहे बैलून नीचे आए चाहे ऊपर आए, एयर का फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट ही लगेगा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अपना सी ऑप्शन मैच कर जाता है। थैंक यू।